और इस एयरपोर्ट का डिजाइन भी बहुत शानदार है। और इस एयरपोर्ट के सामने सुंदर सा गार्डन भी बनाया गया है, बहुत ही बड़ा, अलग ही किस्म का बना है ये एयरपोर्ट। जंगल के बीच में बन रहा है शानदार एयरपोर्ट। दोस्तों उसी प्लेन में मेरी मैडम जी दुबई से जो आ रही है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का काफी दिन के बाद। क्या है ना दोस्तों, इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। काफी वीडियो बनाया मैंने, अपलोड ही नहीं हो पाता रहा। यहाँ पे जो वाईफाई मिलता रहा ना फ्री वाला, बंद हो गया, पासवर्ड चेंज हो गया, इस कारण वीडियो ही अपलोड नहीं हो पा रही। अभी एक पासवर्ड मिला है, क्योंकि मेरी वीडियो रहती है 6-7 GB की, ताकि क्वालिटी अच्छी मिल पाए आप लोगों को। यहाँ पे जो पासवर्ड मिलता है उसका पासवर्ड चेंज हो गया है, तो मुझे पता ही नहीं है। मोबाइल के डाटा से अपलोड करो ना वीडियो तो बहुत टाइम लग जाता है, एक एक दो दो दिन लगता है। तो अब एक जगह का और पासवर्ड मिल चुका है, वो भी बताऊंगा आप लोगों को, कहाँ का फ्री वाईफाई यूज कर रहा हूँ, वो भी हाई स्पीड इंटरनेट फ्री में यूज कर रहा हूँ मैं, बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, मैडम आ रही है। एक गाड़ी देख सकते हो आप लोग, सफारी लेके जा रहा हूँ मैं अभी, जस्ट ये टेंटन के यहाँ से बाहर ही निकल रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट मैडम जी को लेने, और आप लोगों को एयरपोर्ट का भी दिखा दूंगा कितना बना है, नया एयरपोर्ट जो बन रहा है। और हमारी मैडम जो है ना वो गई थी दुबई एक हफ्ते के लिए, तो आज लौट रही है, उन्हीं को लेने जा रहा हूँ एयरपोर्ट। तो दोस्तों मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, एक गाड़ी और जा रही है सियाज, वो आगे मिलेगी मेरे को, आगे खड़ी होगी। जो मैडम लोग चार लोग गए, चारों के पास 5-6 बैग है, एक गाड़ी में तो आने से रहे, इसलिए दो गाड़ी लेके जा रहे हैं। अभी इसी रोड में टैगोर गार्डन पड़ेगा, तो जो एक और गाड़ी आ रही है ना सियाज, वहाँ पे मिलने बोला उन्होंने, वो कटंगा से गाड़ी उठाया है, मैं टिनटिन यहाँ से उठाया हूँ। आज मैं काम पर ही नहीं गया, 2 बजे से मेरी ड्यूटी स्टार्ट हुई, आज सुबह से फ्लैट में बैठा रहा टिनटिन गया। तो भाई लोग ये राइट साइड है गार्डन, और यहीं पर क्लब के सामने खड़ा हो जाता हूँ, लेफ्ट साइड नर्मदा क्लब है, यहीं आ जाएगा, देख लेगा गाड़ी पहचानता है वो। तो भाई देखो ये आ रहा है क्या, नहीं ये भी नहीं है, दूसरी गाड़ी है, सिल्वर कलर की गाड़ी है सियाज। तो भाई जी आ गई है गाड़ी, तो भाई वो जा रही सियाज आ गई, सियाज पूरी सर्विसिंग होके आ गई, लेकिन सिर्फ ब्रेक का काम नहीं हुआ उसमें, क्योंकि वो पार्ट्स ही नहीं थे ऑर्डर करिए कंपनी वालों ने। तो गाइस ये पूरा मिलिट्री इलाका, यहाँ से एंट्री नहीं है, अगर यहाँ से एंट्री दे देना जाने के लिए तो बहुत शॉर्टकट रास्ता है एयरपोर्ट जाने के लिए। वो जा रही जो हमारी सियाज ना बहुत प्यारी चल रही है, मालूम जब से सर्विसिंग होके आई है। और जो चला रहा है ना दोस्त मेरा विजय, कभी कभी वो आ जाता है, मैं छुट्टी मारता हूँ, तो अभी उससे पूछूंगा मैं वो गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलेगा वाह गजब भी चल रही है। बस अभी आ गए साइंस कॉलेज वाली रोड, यहाँ से सीधे एयरपोर्ट, कहीं नहीं मुड़ना है। विजय भाई भी बहुत तेज चला रहा है, उसको बोलना पड़ेगा ब्रेक नहीं है उसका, ब्रेक मारो ना तो रुक भी नहीं है वो। देखो विजय भाई कितनी तेज चला रहा है, ओ भाई साइड दे दो, बहुत ज्यादा तेज चला रहा है भाई वो गाड़ी, वो भी कुलिया में, हाईवे में चला लेना विजय भाई। भाई मैं तो आराम आराम से चला रहा हूँ, विजय तो गायब ही हो गया सियाज लेके, दिख ही नहीं रहा वो कितनी आगे चला गया, बाप रे। आज एयरपोर्ट देखते हैं कितना बन गया अपना जबलपुर का, बहुत ही बड़ा बहुत ही शानदार बन रहा है भाई। तो सीमा प्रारंभ हो चुकी है डुमना एयरपोर्ट की यहाँ से, और ये वाली रोड इतनी शानदार बन गई है ना, 4 लाइन की गाड़ी आज 100 के पार ही बगाऊंगा मैं सफारी। तो यहाँ से चालू 4 लेन रोड, अब बगाएंगे गाड़ी 100 के पार, आज को पीछे कर देता हूँ अपनी, यहाँ पे मोड़ है देखो ये गाड़ी, इसलिए यहाँ पे नहीं, अब बगाएंगे ये मोड़ के आगे, अब बहुत आराम से चला रहा है, उसकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है ना, पीछे हो गया। तो गाइस अब गाड़ी देखो 5वें गियर में लगी हुई है, और अब स्पीड ही देखो कितनी 80 पहुंच गई है, 100 तो पहुंचा ही दूंगा, 100 मोड़ आ गया भाई, टर्निंग आ गई, टर्निंग में भी धीमी नहीं करा मैं, अब पहुंचा दूंगा 100, लेकिन आगे टर्निंग आ रही है, क्या करूं मैं, देखो ना ये उल्टा पुल्टा चले आ रहे दो तीन लोग, हद तो होती है भाई किसी भी चीज की, ये देखो ये दोनों जन उल्टा आ रहे हैं, बहुत गलत चला रहे हैं, इतनी हाईवे रोड में रॉन्ग साइड से गाड़ी लेके आ रहे हैं। चलो अभी आगे तो और भी शानदार रोड मिलेगी खाली, यहाँ पे टर्निंग ज्यादा है, लेकिन रोडे देखो आप कैसी बन गई है पूरी यहाँ की एयरपोर्ट की, बिल्कुल शानदार सजा दिया गया है बिल्कुल। और अब फिर मौका मिला है 100 के पार भगाने का, कोई टर्न ना आए तो, पर पता ही नहीं चल रहा कब एयरपोर्ट पहुंच जा रहे हैं भाई, अब टर्न मत आना, यहीं से 100 के पार भगाऊंगा। अरे यार फिर टर्न आ गया यार, एयरपोर्ट ही आ गया गाइस, ये देखो ओ यहीं से दिख रहा है एयरपोर्ट, हद होती है यार, देखते हैं 100 के पार जाती है कि नहीं, और रोड भी देख लो गाइस आप लोग कितनी शानदार बनी हुई है, गाइस ये 100 के पार, गाइस ये हो गई 100 के पार, जानवर है भाई धीमी करना पड़ेगा।
एक हाथ से गाइस रिकॉर्डिंग भी कर रहा था मैं। तो ये नए वाले एयरपोर्ट का गेट देख सकते हैं आप लोग, ये नए एयरपोर्ट का गेट है जो कि बहुत ही शानदार बन रहा है। तो ये पूरी बाउंड्री खींची हुई है, चलते हैं अभी सामने से भी एयरपोर्ट। जब तक फ्लाइट नहीं आएगी तो मैं पूरा एयरपोर्ट दिखाऊंगा आप लोगों को उस साइड से कैसा बन रहा है। तो यहाँ से भी नजर आने लगा है, ये जो एयरपोर्ट का डिजाइन बन रहा है ना कुछ नया टाइप का बन रहा है। यहाँ से देख रहा होगा हल्का सा, साला पूरा एयरपोर्ट जंगल के अंदर ही है। गाइस बहुत भीड़ रहने लगी आजकल एयरपोर्ट में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग एयरपोर्ट ही में सफर कर रहे हैं, पहले नहीं रहती थी इतनी भीड़। तो अभी गाड़ी एयरपोर्ट के सामने तो लगा नहीं सकते, अभी यहीं कहीं पार्किंग में लगा देते हैं। जब फ्लाइट आ जाएगी पता कर ले कब आ रही है फ्लाइट, फिर उसके बाद सामने ले जाएंगे गाड़ी। और जब तक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जबलपुर का नया एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट बन रहा है बहुत ही बड़ा और जंगल के बीचों बीच, और इस एयरपोर्ट का डिजाइन भी बहुत शानदार है। और इस एयरपोर्ट के सामने सुंदर सा गार्डन भी बनाया गया है बहुत ही बड़ा, और एयरपोर्ट बनाने के लिए जितने पेड़ काटे गए ना उससे ज्यादा तो लगा दिए गए। एक समय में यहाँ पे पूरा जंगल हुआ करता था, और जंगल को काट के बनाया जा रहा है विशाल एयरपोर्ट जबलपुर का। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग काफी काम तो हो ही गया है, और इसका डिजाइन भी देखेंगे ना आप लोग तो बहुत ही शानदार लग रहा है, मतलब अलग ही किस्म का बना है ये एयरपोर्ट। जबलपुर में पहली बार ये शानदार चीज बन रही है। और ये है बाहर जाने का रास्ता, जो मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था ना वो अंदर आने का है, और ये है बाहर जाने का। ये सामने जो आप लोग देख रहे हैं ना ये बाहर जाने की रोड है। तो जंगल के बीच में बन रहा है शानदार एयरपोर्ट। दोस्तों उसी प्लेन में मेरी मैडम जी दुबई से जो आ रही है, ये जहाज अभी अभी उतरा, अभी आगे से घूम के आके वो इस जगह पे लग जाएगा जो आप ये देख रहे हैं ना, नया एयरपोर्ट बना है पीछे साइड, यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा पार्किंग में। ये है उसकी पार्किंग। दोस्तों एक चीज और बता दूं आप लोगों को, ये नया एयरपोर्ट जो बन रहा है ना ज्यादा समय नहीं लगने वाला इसको बनने में, काफी काम हो चुका है। दोस्तों इस एयरपोर्ट को थोड़ा दूर से देखो ना कितना छोटा सा लग रहा है, देखो। तो ये आ रहा है जहाज पार्किंग में खड़ा होने, तो चलते हैं मैडम जी को लेने सामने की तरफ। तो गाइस कुछ ऐसा बना है हमारा एयरपोर्ट जबलपुर का, अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, ज्यादा नहीं। अब जा रहा हूँ, फ्लाइट आ गई है, सामने लगा रहा हूँ गाड़ी, मैडम लोग आ रही है। तो गाइस बहुत पीछे खड़े होने पड़ेगा, देखो कितनी लंबी लाइन लगी है पूरी वहां तक। मैडम लोग जब आ जाएंगे तो अभी कुछ कुछ लोग आएंगे तो खाली हो जाएगा, फिर आगे बढ़ाएंगे। गाइस देख लो कितनी ज्यादा भीड़ है, वहां तक जाना है मुझे। और ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये पुराना एयरपोर्ट है, ये भी बहुत ही शानदार है। यहाँ पे गार्डन भी है बहुत बड़ा, जगह बेस्ट पड़ी है। चलो दोस्तों आ गए हैं एयरपोर्ट से, मैडम जी आ गई हैं। एक हफ्ते बाद दुबई जब काम बढ़ जाएगा, एक हफ्ते तो थोड़ा फ्री था मैं, इतना ज्यादा काम नहीं रहता था। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अब ये दिख रहा है बैग, इतने बड़े बड़े चार बैग है, अकेले ऊपर पहुँचाना है थर्ड फ्लोर में। चलो गाइस मिलते हैं, बैग ऊपर पहुंचा दें चार के चार पूरे। तो चलो अब लगा देते हैं गाड़ी को पार्किंग में, आज शाम तक बस और आराम है, बाकी कल से तो बिजी पूरा।